हरियाणा में 6 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने वाली भाजपा अब 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने को लेकर बुरी तरह से उलझ गई है। भाजपा इन 4 सीटों पर जातीय समीकरणों का संतुलन नहीं साध पा रही है। भाजपा की निगाह कांग्रेस द्वारा घोषित किए जाने वाले टिकटों पर टिकी हुई है, ताकि उनके हिसाब से कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटों पर बाकी बड़े 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सके। इन सीटों पर जाट, सिख, वैश्य और BCA उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर सामंजस्य बैठाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भाजपा ने अंबाला में बंतो कटारिया के रूप में SC, करनाल में मनोहर लाल खट्टर के रूप में पंजाबी, गुरुग्राम में राव इंदरजीत के रूप में OBC और फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर के रूप में OBC उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह के रूप में जाट तथा सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर के रूप में SC प्रत्याशियों पर भाजपा ने दांव खेला है। अब भाजपा सिख, BCA और वैश्य के साथ एक जाट को और टिकट देना चाहती है, ताकि टिकटों के आवंटन में सभी जातियों को भरपूर प्रतिनिधित्व मिल सके। इस पर व्यापक मंथन चल रहा है। भाजपा का प्रांतीय नेतृत्व हालांकि अपनी पसंद नापसंद से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा चुका है, लेकिन फिर भी उम्मीदवारों की घोषणा पर पेच फंसा हुआ है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 22 मार्च को होने की संभावना है, जिसमें हरियाणा की बाकी बची 4 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा संभव है। रोहतक में मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मण का टिकट लगभग तय है। भाजपा यहां से फिल्मी अभिनेता रणदीप हुड्डा को चुनाव लड़वाना चाहती थी, मगर रणदीप हुड्डा द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए जाने की सूचना है। रणदीप हुड्डा नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़े, क्योंकि हुड्डा परिवार से रणदीप हुड्डा के अच्छे संबंध है, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सोनीपत से पूर्व मंत्री कविता जैन, वैश्य, पहलवान योगेश्वर दत्त ब्राह्मण और विधायक मोहन बडौली ब्राह्मण के नाम मजबूत दावेदारों में शामिल है। रोहतक में यदि भाजपा ब्राह्मण को टिकट देती है तो सोनीपत में वैश्य के रूप में कविता जैन की सबसे मजबूत दावेदारी बनती है। उनके पति राजीव जैन CM के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। सबसे अधिक दिलचस्प सीट कुरुक्षेत्र है। भाजपा यहां से पूर्व सांसद नवीन जिंदल अथवा उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल को चुनाव लड़वाना चाहती थी, मगर जिंदल परिवार की ओर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में कुरुक्षेत्र सीट पर वैश्य के साथ रोड और सिख की दावेदारी बढ़ गई है, और हिसार में जाट और गैर जाट के रूप में टिकट का पेंच फंसा हुआ है। सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद यहां विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा BCA, कैप्टन अभिमन्यु जाट और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई गैर जाट के नाम मजबूत दावेदारों में शामिल है। पार्टी अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि BCA, जाट और गैर जाट में किस पर दांव खेला जाए। यहां तीनों उम्मीदवार मजबूत हैं। सोनीपत में वैश्य और ब्राह्मण उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। मौजूदा सांसद रमेश कौशिक का टिकट कटने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का नुकसान रमेश कौशिक को उठाना पड़ सकता है। कुरुक्षेत्र में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट टिकट के प्रलब दावेदारों में शामिल हैं। पार्टी ने यदि किसी सिख को टिकट देना चाहा तो यहां भाजपा नेता मंजिंदर सिंह सिरसा और असंध के पूर्व विधायक S बख्शी सिंह के नाम मजबूती से लिए जा रहे हैं। वेश्यों में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता का नाम भी टिकट के लिए लिया जा रहा है। उनके पति ब्रज गुप्ता सुलझे हुए राजनीतिक हैं। रेणु बाला और ब्रज गुप्ता के परिवार की गिनती गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समर्थकों में होती है। कुल मिलाकर 22 मार्च के बाद भाजपा इन 4 सीटों पर अपने पत्ते खोलेगी।